हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जूनियर गेमर की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट को जब है जिसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिना देखिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप मेरे वीडियो पे नए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको पूरा सेटिंग दिखा देता हूं आपको, और साथ में एक नया वर्ल्ड प्रूफ के साथ क्रिएट करके दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर सेटिंग चेंज हो गया। अब मैं आपको प्ले गेम करके दिखाता हूं और एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये हमारा लोग पॉकेट एडिशन नहीं है जिसे मैंने जो एडिशन में कन्वर्ट किया है। तो ये मैं कैसे कन्वर्ट किया है तो ये मैं आपको पूरे एंड तक बता दूंगा वीडियो के। आपको रिसोर्स पैक में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्स पैक है, तो रिसोर्स पैक में जाइए। आप यहाँ पर दोनों मोड अवेलेबल कर दीजिए। पर मैं बटन हाइडर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद बटन हाइड जाएगा तो वर्क मीन्स मैं अच्छे से गेम प्ले नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं डन करता हूँ, उसके बाद हम जो मीन्स वर्ल्ड है उसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा वर्ल्ड थोड़ा प्रोसेस अभी लेगा, फिर उसके बाद हमारा वर्ल्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगा। उससे पहले कुछ मीन्स आपको कुछ प्रोसीड करने को इस तरह देगा, तो आपको प्रोसीड कर देना अभी ना पहले के। तो फटाक से प्रोसीड होने के बाद आपका वर्ल्ड जनरेट होना स्टार्ट होने लगेगा। अगर वीडियो पर नए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वर्ल्ड जनरेट होने ही वाला है, देख सकते हैं हमारा वर्ल्ड जनरेट हो गया। और वर्ल्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम में से कोई भी चेंज नहीं हो, क्योंकि हमारा जावा एडिशन में वर्ल्ड इसी तरह होता है। और बस वर्ल्ड के बाहर भी जो सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग है, साइज चेंज जाएगी, इस तरह जावा एडिशन की तरह होने लगा, सब कुछ जावा एडिशन की तरह होने लगेगा। तो इसे जानते हो, ब्लॉक में जावा एडिशन में भी ब्लॉक इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जैसे पूरा सेटिंग चेंज हो गया, ड्रेसिंग रूम एरा वगैरह सारे की सारे चीटिंग में सेटिंग चेंज हो गए हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो वीडियो पे नए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखते हैं पूरा मोड क्रिएटिव मोड मीन्स एरा वगैरह से दिए, और यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज भी यहाँ पर दी गई है, और बहुत सारी सेटिंग दी गई है। मीन्स साइज सेटिंग वही है, बस थोड़ा जावा एडिशन की तरह दे दिया गया है। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिल जाएंगे, ये कमेंट बॉक्स में। आप उन दोनों बॉक्स को मीन्स लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपके फाइल मैनेजर या GDRB ऐप में ओपन कीजिए। उसके बाद आप वही फाइल को सर्च कीजिए, या फाइल को ओपन करने के बाद आपको इसे रीनेम कर देना है। तो मैं ये सर्च करने के बाद मैं दोनों फाइल को रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद आपको बस उसको व्यू को मीन्स को व्यू जो इस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आपको करना है, तब जो गेम हो उसे वो ओपन रहेगा। तो आपको अपना गेम ओपन करके तो उसमें पर वो जो रिसोर्स पैक है उसे एवेल कर दीजिए। अब दोनों से दोनों फाइल आप इसी तरह करेंगे तो आपका रिसोर्स पैक है वो आपका एवेल हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद माइनक्राफ्ट में जानते हैं कैसे आपको रिसोर्स पैक अवेलेबल करना है। तो उसे करने के बाद आपका जो माइनक्राफ्ट है जावा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में बस नहीं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।